सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है, हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं, उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है, महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कार को अब जान ले। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं,